Okay, good morning students, welcome on the platform of RPS online classes. In fact, in the previous class हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पे स्टडी किए. उस स्टडी में आपने देखा होगा कि सबसे पहला टर्म जो न्यूटन्स लॉ का है, फोर्स एंड इट्स लॉज, मतलब न्यूटन्स का लॉ जो एक्सप्लेन करना है, तो उस न्यूटन के लॉ को एक्सप्लेन करने में कुछ टर्म की जरूरत पड़ी. और उस टर्म में सबसे पहला टर्म जो था वो हमारा मास था, इनर्सिया था, इन सारी चीजों को देखे. और उस मास, इनर्सिया, फिर आगे चल करके आया मोमेंटम, फिर हमारा ये तीनों का तीनों जो लॉ है वो एक्सप्लेन हुआ. अब आप देखो यहां पे जो ये परिस्थितियां, यहां इनर्सिया, हाउ इनर्सिया इज डिफाइंड, एक टर्म यहां पर देखते हैं आप. मास जो है इसका मेजरमेंट है, कहते हैं मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया, एंड इनर्सिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन अपोजेज एनी काइंड ऑफ चेंजेज. किसी भी तरह की चेंजेज अगर आती हैं, किसी भी तरह की चेंजेज अगर आती हैं, तो उस चेंजेज को अपोज करने वाला प्रॉपर्टी जो उस ऑब्जेक्ट का होगा उसे हम इनर्सिया कहते हैं. और मास क्या है, तो मास भी उस मटेरियल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का मास भी इंटरनल प्रॉपर्टी ही होता है. अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं, मास इनर्सिया पढ़ चुके हैं, मोमेंटम को पढ़ चुके हैं, सभी को पढ़ लिए हैं, लेकिन इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जिसपे हमें प्रैक्टिस करना है, वह सारे के सारे अभी रिमेनिंग है, वह सब के सब बचे हुए हैं. तो उसका स्टार्टअप हम लोग ऑलरेडी करते हैं. जो पिछले क्लास में तुम्हें हम होमवर्क में दिए थे, इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को करना है. अब इंटेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो पेज नंबर 2118 है, पेज नंबर 118 है, इस पे देखो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है. सबसे पहला का क्वेश्चन कह रहा है इनर्सिया किसका ज्यादा होगा. इस टाइप के क्वेश्चन होंगे. एक्चुअली यहां पे हमने क्वेश्चन को लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है. उसमें कहा है कि इनर्सिया किसका ज्यादा होगा, विच हैविंग लार्ज इनर्सिया, हेवी इनर्सिया, कौन सा ऐसा है जिसकी इनर्सिया सबसे ज्यादा होगी. अब इनर्सिया के ज्यादा होने का इनडायरेक्ट मतलब किससे है, उस इनर्सिया का इनडायरेक्ट मतलब किससे है, तो इनर्सिया जो ज्यादा की बात करते हैं, अगर इनर्सिया इनर्सिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा होता है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यह होता है मास भी ज्यादा होना चाहिए. यह डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका इनर्सिया ज्यादा होगा. दूसरे अर्थ में या मतलब दूसरे मतलब से यह कह सकते हैं जिसका मास कम होगा उसका इनर्सिया भी कम होगा. आप समझ सकते हैं इस चीज को. तो क्लास में जो हमें डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में जो समझाएंगे, उसका यह देखना है कि उस चीज का मास कैसे हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कोई सॉलिड बॉडी, तो सॉलिड बॉडी के मास को आप, अगर वहां पर आप लगता है कि 5 kg सॉलिड बॉडी का मास 5 kg होना चाहिए, वहीं पर अगर तुम्हें एक बैलून दिया जा रहा है जिस बैलून का मास बहुत ही मुश्किल से 0.5 kg होगा, बहुत ही हेवी, बड़ा सेफ दिखेगा, बट उसका मास अगर मेजर किया जाए तो 0.5 kg के आसपास होगा. ऐसी परिस्थिति में हम अगर पूछा जाता है कि किसका इनर्सिया ज्यादा होगा, तो देखिए फर्स्ट में यह अगर मेटल ब्लॉक है, या अगर मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक है, छोटा सा मेटल ब्लॉक जिसे बोलते हैं, छोटा सा मेटल ब्लॉक है, ये छोटा सेफ में छोटा है मेटल ब्लॉक, बट इसका मास 5 kg, यह वेट है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन अक्सर ना बात करने के टर्म में हम यह बोल देते हैं कि यह इसका मास है, जो वेट जैसे हम लोग मेजर किए, यह मास अगर इसका है 5 kg, हालांकि इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तब जाकर के जी भी है ना यहां पे, तो इसे इस 5 kg का जो वेट है, उस 5 kg का वेट का कंपैरिजन अगर इस एयर बैलून से करें, इस एयर बैलून से करें, इस मेटल ब्लॉक 5 kg का अगर इस एयर बैलून से कंपैरिजन करें, तो आपको देखने में लगेगा इसका शेप छोटा, इस बैलून का शेप देखने में लगेगा बहुत ही बड़ा, बट
जब उसके इनर्सिया की बात करेंगे तो वह इसके शेप पर नहीं जाएगा, वह इसका मास कितना है उसमें देखेगा, 0.5 केजी बड़ा है तो 0.5 केजी मेटल ब्लॉक का इनर्सिया ज्यादा होगा और एयर बैलून का इनर्सिया कम होगा। ठीक है, तो यह जनरली जब यह आंसर पूछा जाए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में एग्जांपल्स दे दिया जाए, उस एग्जांपल्स में तुम्हें यह कवर करके रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, उसका मतलब क्या है। वेट उसका ज्यादा है जो कंपेरिजन करने के लिए दिया गया है, उस कंपेरिजन करने वाले ऑब्जेक्ट के साथ देखेंगे कि किसका वेट ज्यादा है किसका वेट कम है, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका ही वेट भी ज्यादा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, जिसका मास ज्यादा होगा उसी का वेट भी ज्यादा होगा, और जब मास ज्यादा है वेट ज्यादा है तो वहां पर हम क्या समझ सकते हैं उसके इनर्सिया के बारे में, जिसका मास ज्यादा जिसका वेट ज्यादा उसी का इनर्सिया ज्यादा, जिसका मास कम उसका वेट भी कम और उसका इनर्सिया भी कम। समझ रहे हैं, और इनर्सिया है क्या, इनर्सिया तो आप देख रहे हैं यह एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। दूसरे सेंस में यह मास भी जो है यह ये जो आपको इनर्सिया जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट कैन अपोजेज, पूरा लैंग्वेज में लिख सकते हैं बाय विच इट कैन अपोजेज द एनी काइंड ऑफ चेंजेज, आइदर उसके पोजीशन में चेंजिंग किया जाए या उसके क्या कहते हैं शेप में चेंजिंग किया जाए। शेप में चेंजिंग करते हैं तो उससे हमें इसके क्लैरिटी का पता नहीं चलेगा, बट मेन थिंग क्या है कि हमें इस प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट में इस चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को कंपेयर करके एक दूसरे का मास मतलब वेट ज्यादा है या कम है उसके बेसिस पर यह डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो हमें लगता है कि यह समझ गए होंगे। अब चलिए इसी में एक एग्जाम्पल तुम्हें यह देता है कि कोई ऑब्जेक्ट जैसे यह पेड़ पौधा जो है आप देख रहे हैं, यह पेड़ पौधा जो लगे हुए होते हैं जमीन पे वह लगे हैं, उसके अनुसार वह जब रेस्ट में उस पर थोड़ा भी एयर का ब्लोइंग जो है हवा का बहाव नहीं है तो वह एकदम से उसके पत्ती वगैरह हिलती नहीं, वह पत्ती जैसे जैसे डे बाय डे जब वह चेंज होते जाता है टाइम तो उस पत्ती का जब अटैचमेंट उस डाली के साथ थोड़ा सा वीक होता चला जाता है तो जिस दिन वह वीक होता हुआ चला जाता है तो अटैचमेंट एकदम से जब कम हो जाएगा तो हवा का बहाव जहां होगा उसके मास के कारण उस पत्ती के उस लीफ के मास के कारण उसे ना जो वेट नीचे की तरफ खींच रहा है वहां से थोड़ा सा भी हिलेगा तो वो वहीं पर टूट जाएगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी के द्वारा लगने वाला जो फोर्स जो उसका वेट है वह उसे मूव करने की इजाजत नहीं देता है, और जब मूव नहीं करेगा तो क्या होगा वो ग्राउंड पे आ जाएगा। तो यह क्या हुआ, किसके कारण हुआ, यह भी हुआ आपका ड्यू टू इनर्सिया, यहाँ क्या है इनर्सिया इसको अपोज किया, अब इनर्सिया के ज्यादा होने के कारण वह उसे अपोज किया उस अपोजिट सेगमेंट में उस अपोजिट की तरफ मूव करने से, और जब मूव नहीं कर सकता है मतलब इनर्सिया ऑफ रेस्ट क्या है वहां पर, इनर्सिया ऑफ रेस्ट उस पे कायम है। ओके, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे कि इस इनर्सिया की वजह से यह सारी चीजें हमें या तो उस मेटल किसी के शेप को देख करके हम नहीं कह सकते हैं कि इसका बड़ा शेप होगा तो बहुत ज्यादा इनर्सिया होगा, अगर उसका कम शेप यह छोटा शेप होगा तो कम होगा उसका इनर्सिया, ऐसी बातें नहीं है। इनर्सिया इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एंड मास इज द प्रॉपर्टी, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज ऑन एनी अदर प्लेसेस, इट विल सेम, द वेट विल चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट बट मास विल ऑलवेज सेम। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हियर एवरीथिंग आई मीन एनी काइंड ऑफ चेंजिंग इन देयर पोजिशन इज डिपेंडिंग अपॉन द इनर्सिया एंड इनर्सिया इज डिपेंडिंग अपॉन मास, सो वी आर गोइंग टू जस्ट answer such like of question कि it is due to inertia। okay, first question, second question, जो भी 4-5 question है उसका यह केस हो गया। अब उसी में एक question है अपना कि किसी भी object को जब हम place करते हैं किसी भी object को जब हम place करते हैं ऐसी जगह पे जैसे
जैसे अगर ये क्या बोलते हैं ग्लास हो, ग्लास के ऊपर एक कॉइन रखिए, तुम्हारे बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है, और सडनली उस पेपर को, जैसे ग्लास रखे, ग्लास के ऊपर से एक पेपर रखिए, कबोर्ड जिसके बोलते हैं वो रखिए, और उस पे एक कॉइन रखिए। अब जैसे ही उस पेपर शीट को सडनली पुल करते हैं तो वह कॉइन क्या होता है, उस ग्लास में गिर जाता है। यह क्या बताता है, ड्यू टू इनर्सिया ऑफ द कॉइन, उस कॉइन का जो इनर्सिया है उसके वजह से। तो इसमें हमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इनर्सिया, एंड आफ्टर दैट द मास विल बी द मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया। सो इफ द मास हैविंग ग्रेटर वैल्यू, देन इट विल इनडायरेक्टली रिपील्स, इट विल इनडायरेक्टली एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ इनर्सिया विच विल ग्रेटर देन दिस। ओके, चलिए यह क्लियर हो गया। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। जैसे यह देखिए, यह सीट है उस बस का, ठीक है, इस तरीका से यहाँ पे व्हील है, यहाँ पे व्हील है, और ये इस टाइप से देखिए ये इस पे बैठा है, ठीक है। अगर यह पर्सन यहाँ पर बैठा होगा और ड्राइवर जब इस बस गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएगा, पहले यह रेस्ट में था, एट फर्स्ट यह रेस्ट में था, जब यह रेस्ट में था तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी इंप्लाइज दैट जीरो, ठीक है। और यह वेलोसिटी तुम्हें पता है, यह दो तरीका का है, यू है और वी है, तो यू और वी दोनों ही जीरो होंगे। अब इस जीरो होने के कारण क्या होगा, रेस्ट में है तो उसकी कोई वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती है ना, जब रेस्ट में होगा तो उसकी कोई वेलोसिटी हो ही नहीं सकती है, वह जीरो होगा। और इस जीरो होने के कारण, इसको जीरो होने के कारण इसका जो इनर्सिया ऑफ रेस्ट है वह इस पे डोमिनेंट है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर इसको एक वेलोसिटी देता है, इस वेलोसिटी का मतलब आप ले लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, सडनली एक्सप्लेस करके आगे की तरफ जैसे ही बढ़ेगा तो क्या होगा इसका केस, इसका उस समय जो सिचुएशन होगा, जैसे ही यह आगे की तरफ बढ़ा तो पहले इसका जो इनर्सिया ऑफ रेस्ट था, इनर्सिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्सिया ऑफ रेस्ट उसे मोशन में नहीं जाने देगा। और जब यह मोशन में नहीं जाने देगा तो क्या होगा, जैसे ही इसे, क्योंकि बस में तो सीट तो बस के साथ अटैच्ड है, इसका जो सीट है दैट इज ऑलरेडी अटैच्ड विद द बस, सो बस विल स्टार्ट मूविंग, इन दैट केस दिस पर्सन विल, यह किधर मूव करेगा, आप कह सकते हो यह इनर्सिया रेस्ट में रहने देगा और यह आगे की तरफ जाएगा, तो इसी ने पीछे की तरफ आना होगा, क्योंकि यह जिस प्लेस पे रेस्ट में बैठा हुआ था ना, वह पीछे रह गया, पीछे रह गया तो क्या होगा, यह पीछे की तरफ गिर जाएगा, पीछे की तरफ झुक जाएगा। ओके, तो इस चीज को समझ गए, ये सारे जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 118 पे एनसीईआरटी की बुक में, वह सब इनर्सिया पे बेस्ड है, और इनर्सिया मास पे बेस्ड होता है। इफ द मास हैविंग ग्रेटर वैल्यू, देन अल्टीमेटली द इनर्सिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट हैविंग ग्रेटर इन वैल्यू। सो ऑल ऑफ यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चंस आर कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन इनर्सिया। इसमें जो भी क्वेश्चन है सब के सब इनर्सिया पे डिपेंड है। अब कभी तुम्हें कहेगा कि साइकिल का इनर्सिया ज्यादा है कि ट्रक का इनर्सिया ज्यादा है, कभी कहेगा कि तुम्हें ये एयर बैलून का इनर्सिया ज्यादा है कि 5 kg मेटल ब्लॉक का इनर्सिया ज्यादा है, तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे सामने क्लियर हो गए। इस सब को तुम समझ सकते हो कि ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस आर डिपेंडिंग अपॉन वन एंड ओनली वन थिंग, एंड दैट इज इनर्सिया। ओके, चलिए क्लियर है, इस चीज को समझ लिए। अब यह चीज तुम्हारा, यह टॉपिक इनर्सिया, मास और इनर्सिया से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है, हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस क्लास में। एफ इज इक्वल्स टू के एम ए लिखते हैं, के इज अ कॉन्स्टेंट, एंड फॉर नॉर्मल कंडीशन दिस के विल इक्वल्स टू 1। इट मीन्स एफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, मास और एक्सेलरेशन पे बेस्ड यह क्वेश्चन होगा, मतलब फोर्स की वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट टॉपिक से हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट टॉपिक से किसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन मिला था, तो फर्स्ट टॉपिक जो था, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिव्स एन आइडिया अबाउट इनर्सिया, वेयर एज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ गिव्स एन आइडिया अबाउट फोर्स, और फोर्स के वैल्यू को हम लोग यहां
कैलकुलेट कर पाए। अच्छा एक देखिए लास्ट टॉपिक में जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ था, उस न्यूटन्स के थर्ड लॉ में एक टर्म है रिक्वायर्ड वेलोसिटी। उस रिक्वायर्ड वेलोसिटी को जस्ट हम लोग अभी यहाँ क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग को क्या करना है कि इसके जो न्यूमेरिकल्स है उस न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस पे हम लोग फोकस करेंगे। ये जो है रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इस रिक्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब क्या है? देखिए एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड, हम लोग कहते हैं रिपल्सन, हम लोग कहते हैं रिक्रिएशन, रिक्रिएट, यह कुछ ऐसा है जिसको दोबारा करो, समझ रहे हैं? रिकॉल वेलोसिटी। अब देखिए रिकॉल वेलोसिटी का अगर ये कहता ये गन, गन का तो एग्जैक्टली फिगर मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आप देख लो ये गन कुछ इस टाइप से, यहां ट्रिगर वगैरह होगा, यहां से जब वह बुलेट को फायर करता है, बुलेट ऐसे बाहर की तरफ निकलता है, इसको जो हाथ से ऐसे ऐसे करके इसको अगर पकड़े हुए होगा, ठीक है, ये हैंड या गन, गन, इस गन से जैसे ही बुलेट फायर होगा, आगे की तरफ जैसे ही बुलेट आएगा इधर, ये बुलेट जैसे ही फायर हो सकता है उसका क्या होगा? देखिए इस गन को अंदर एक पॉइंटर होगा, जो पॉइंटर उस बुलेट पे हिट करेगा, बुलेट को जैसे ही हिट करता है वह ना इस, यह बुलेट तो रेस्ट में है और जब इस पे फोर्स लगेगा तो एक रिपल्सिव फोर्स, बैकवर्ड पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, यह बुलेट जाएगा आगे की तरफ और एक फोर्स लगेगा इधर पीछे की तरफ, यह पीछे की तरफ अगर तुम कंधे पे रख के चलाते हो तो कंधा थोड़ा सा पीछे की तरफ आएगा, गन जो होता है वह गन अगर कंधे पे रख के चलाते तो गन, यह तुम्हारा जो कंधा है पीछे की तरफ आएगा, हैंड से ऐसे करते हैं तो ऐसे करके ऐसी वो हैंड ऐसे सेक जो होता है पीछे की तरफ, वह सेक इस बुलेट के आगे फायर होने की वजह से होता है, और इसी जिस वेलोसिटी से यह पीछे की तरफ बैकवर्ड हमारा हैंड जो है रिपेयर करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। अब इस केस में जैसे गन का मास अगर M1 लिए, उस बुलेट का मास जो है अगर B1 लिए हैं, किस समय? जब यह रेस्ट में है, और जब गन को फायर, गन फायर किया गया, जब बुलेट वहां से रिमूव हुआ तो उस वक्त इसका मास जो है बुलेट के साथ जब है, मतलब ये क्या कहते हैं इंस्टेंट केस में M2 और B2, तो इस केस में यह बुलेट की वेलोसिटी है, यह बुलेट का स्टैटिक स्टेशनरी केस का वेलोसिटी है, तो लास्ट में हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल से इसको फॉलो कर सकते हैं और इस चीज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जब तक एक दो न्यूमेरिकल्स इस पे करेंगे नहीं तब तक तुम्हें एग्जैक्टली यह चीज समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा तकलीफ होगा, बट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज की क्लासेस तक इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।